और चलो फिर से एक और नए सवाल के साथ हम लोग शुरू करते। मेंस के पेपर में पूछा गया है जो सवाल है एज इट इज, वैसा ही मैं यहाँ पर दिया मैंने। और सवाल हमारे पास क्या है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो हिंदी तो समझना आसान होता है ना, यदि आप कंपटीशन देने जा रहे हो और बोलोगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग करो, तब थोड़ा सा आपके पास आप क्या करोगे, खुद के साथ अनफेयर करोगे, है ना। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज़ है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बांटने वाला, ठीक है, बराबर भागों में बांटने वाला। एंगल बाइसेक्टर कोण का समद्विभाजक। तो ये थोड़े थोड़े शब्द आपको थोड़ा जानने होंगे। जो भी है, यदि दिक्कत आती है तो कोई असुविधा नहीं है, मैं यहाँ पे हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। बट यदि आप इस इंग्लिश को बोलोगे कि हाँ इंग्लिश में करना थोड़ा दिक्कत आता है, तो थोड़ा आप खुद के साथ आप अनफेयर कर रहे हो, है ना। क्योंकि आप देखो यदि सीजीएल का तैयारी करने जाओ तो 200 मार्क्स के क्या आते हैं, इंग्लिश आते हैं, जो कि एक ह्यूज मार्क्स है। वहाँ पर इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो देखो समझो, हो सकता है कि कुछ बेनिफिट मिले आपको इंग्लिश जानने के बाद। ये एनीवे देखो सवाल हमारे पास क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर है ना। त्रिभुज पी क्यू आर का मतलब तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें कोण क्यू क्या है, कोण आर के बराबर, सॉरी बड़ा है। चलो मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूँ, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ पी क्यू आर। कोण क्यू क्या है, कोण आर से बड़ा है, यानी कि बड़ा भुजा का विपरीत वाला कोण क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये इन दोनों में कंपेयर कर, ये बड़ा है तो सामने वाला क्यू होगा, ये आर होगा, तब ये क्यू का मान क्या होगा, आर से बड़ा होगा। एक और आसान तरीका, आप यदि इन दोनों में आप कंपेयर करो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, जो नज़दीक होगा वो कोण बड़ा होगा। यहाँ क्यू क्या है, नज़दीक है, तो क्यू का मान क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, आर का मान छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो सवाल में ऐसे बोला ही गया है कि पी टी क्या है, क्यू आर पर लंब है, तो पी टी को मैंने क्यू आर पर लंब ड्रॉ कर दिया। जो करीब होता है वो कोण बड़ा होता है, तो ये कोण बड़ा होगा, ये कोण छोटा होगा। तो ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई हुआ, ये और ये। साथ में देखो पी एस क्या है, कोण पी का समद्विभाजक है, कोण पी का समद्विभाजक पी एस है, इसको दो भाग में बांटेगा, यानी ये जो पूरा कोण होगा है ना, ये दोनों कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ये है पी एस। देखो इस वाले कोण का मान कितना दिया गया है, एस पी टी इस वाले कोण का मान कितना है, 28 दिया गया है, इस वाले कोण का मान 23 दिया गया है, तो यहाँ का कोण कितना होगा ये निकालना है। सवाल ऐसा भी दे सकता है, ये दोनों कोण दिया हो, इसका मान कितना होगा, ये थीटा। तो मैं क्या करता हूँ इस सवाल में, इसको मैं यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ और इसको वाई मान लेता हूँ। तो देखो एक सिंपल फॉर्मूला है कि अब ऐसा कंडीशन हो तो थीटा का जो मान होता है ना वो एक्स डिफरेंस वाई बाई टू होता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्यों लिया, ताकि जो बड़ा होगा उसको पहले लेना होगा और छोटे वाले को बाद में। तो यदि इस फॉर्मूले से बनाए, तो चूंकि क्यू पर जो कोण बनता है वो बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, थीटा बराबर बड़ा से छोटा घटाएंगे, एक्स माइनस वाई, थीटा एक्स क्यू पर बड़ा है तो एक्स माइनस वाई बाई टू। तो देखो थीटा का मान कितना, 23 डिग्री दिया गया है, बराबर एक्स का मान हमें निकालना है, इस क्यू वाले कोण का मान हमें निकालना है, माइनस वाई, वाई का मान कितना, 23 डिग्री, इस वाले कोण का आर पर कितना है, 23 डिग्री है, तो वाई के जगह पे 23 डिग्री लिखो बटा दो, तो एक्स बराबर 23 दूनी 46, थीटा का मान 28 है, ठीक है, तो 28 दूनी 56 डिग्री प्लस इधर आएगा 23 डिग्री, मतलब कितना होगा, 79 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो बता दिया कि इस थीटा का मान क्या होगा, दोनों का डिफरेंस बाई टू करो, यहाँ से क्या करो, एक्स का मान निकाल दो। अब देखो ये चीज़ आता कैसे, पहले इसको समझते हैं। देखो ये जो पी एस है ना, वो पी एस क्या है, कोण पी का समद्विभाजक है, यानी इस वाले पूरे कोण को यदि हम लोग क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं, तो ये वाला कोण भी कितना होगा, अल्फा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि पी एस यदि आपका समद्विभाजक है, तो इधर का और इधर का कोण क्या होगा, बराबर होगा, जब ये अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। आप देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल में मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक राइट एंगल इधर वाला ट्रायंगल, एक राइट एंगल इधर वाला ट्रायंगल। यदि इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 90 का है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 90 होगा, तो वाई प्लस ये जो कोण है ये पूरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक थीटा है और ये क्या है, अल्फा है, तो पूरा कोण कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा, ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब आते इधर वाले की बात करता हूँ, ये पूरा अल्फा है,
यहाँ से थीटा निकाल दो, तो ये जो कोण बनेगा वो कितना आएगा, अल्फा माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस थीटा ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का है, तो दिस प्लस दिस 90 होगा। तो यहाँ का जो कोण बना वो कितना बना, अल्फा माइनस थीटा प्लस एक्स, ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये भी 90 और ये भी 90, यदि कंपेयर करें तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो एक्स प्लस अल्फा माइनस थीटा इसके बराबर होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल कर दो, थीटा को उधर लेके जाओ तो 2θ बराबर, एक्स वाई को इधर लेके आओ माइनस वाई, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंस इसी लिया ताकि क्या करो, बड़ा से छोटा घटा दो तो आंसर आ जाएगा। अब देखो सवाल में कैसा कर सकता है, ऐसा ही डायग्राम दे दिया आपको, दे दिया ये वाला आपका 30 डिग्री दे दिया, और इसको मान लो कि ये आपका 66 डिग्री है, यहाँ का कोण कितना होगा निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, 66 और 30 का कितना हो गया, 36 हो गया, और 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18, खत्म सवाल, है ना। हो सकता है इसमें ये दोनों सवाल दे आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, ये सवाल था ऐसा। तो चलो इस कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं ये चीज़ ख़त्म करता हूँ, तो बस इतना ही आज रखते हैं, फिर अगले वीडियो में छोटे छोटे वीडियो कॉन्सेप्चुअल चीज़ जो कि मेंस में पूछा जाता है या फिर सीजन में जैसा भी सवाल आता है मैं सॉल्व करता हूँ, और इसको देखते हैं, चलो कोई नहीं।